नमस्कार, आगाज न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर, बहुत मजे की खबर है जो कि हम आपको बताएं। जैसा कि एमएसईबी के बारे में, मानगांव ग्राम पंचायत ने 440 का झटका दिया है एमएसईबी। ये क्या पूरा मामला है हम आपको तफसील से बताएंगे। 440 का झटका इसके लिए दिया है कि मानगांव के लोगों के बढ़ते लाइट बिल से परेशान होकर लोगों ने मानगांव सरपंच से मिले और वहाँ पे ये पूरा माजरा बताया। तो मानगांव सरपंच का एक अनोखा रूप सामने आया जिसने एमएसईबी के लोगों को 440 का झटका दिया। मानगांव ग्राम पंचायत के सरपंच ने एमएसईबी को एक लेटर दिया है और उसने कहा कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाए उसका भाड़ा मानगांव ग्राम पंचायत को आपको देना होगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देंगे तो ये पूरा जो मामला है ये हाईकोर्ट तक जाएगा और ये कोर्ट का दरवाजे की दस्तक दी जाएगी। ये नया अनोखा काम मानगांव के ग्राम पंचायत के सरपंच ने किया है। ये पूरा मामला, अगर इसी तरह से पूरा मामला नगर पालिका, नगर निगम ये लोग अगर करेंगे तो कुछ लोगों को, जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन लगने की वजह से ग्राम पंचायत एमएसईबी के बिल इतने आ चुके हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। कईयों के तो मीटर लेके ग्राम पंचायत चले गए ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लेकिन मानगांव के जो सरपंच ने किया है वो वाकई में तारीफ़ के लायक है। अब उसी के साथ में दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि आज से गैस रसोई गैस सिलेंडर पे 25 रुपये 50 पैसे बढ़ गए और साथ ही में दूध पे 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए। उसी के साथ में 2 चाकी वाहन उनकी भी कीमत की बढ़ोतरी की गई, 4 व्हीलर की भी कीमतों पे बढ़ोतरी की गई। और कंपनी का साफ कहना है कि जिस तरह से सेंट्रल इनके ऊपर थोप रही है वो लोगों पे थोपने का काम करेंगे। आज 35 बार हर चीज़ों की कीमतें बढ़ी है 3 महीने में, तो जनता के ऊपर महंगाई थोपने का एक नया अंदाज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए, फिर भी जनता खामोशी से बैठी हुई है और इस जुल्म को अपने ऊपर सह रही है। जो सिलेंडर 450 से स्टार्ट हुए थे आज वही सिलेंडर की कीमत 1600 रुपये से 1500 रुपये तक हो गई है। दूध 5 रुपये लीटर से शुरू हो गए थे आज दूध की कीमत 70 रुपये तक हो गई है। तो ये जुल्म क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और क्यों लॉकडाउन का बदला, लॉकडाउन की महामारी से लोग पहले से ही परेशान है, अब महंगाई से परेशान करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी हिंदुस्तान की जनता खामोशी से इस जुल्म को सह रही है। खामोशी से सहने का मतलब यही है कि अब इंडिया में चाहे अरबों खरबों रुपए के घोटाले हो गए, लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता ये दिखाना चाहती है कि हर कोई झोपड़े में रहने वाला, झुग्गियों में रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला आदमी करोड़पति है। स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है, स्कूलों की मनमानी हो रही है, लाइट बिल एमएसईबी की मनमानी हो रही है, हर कोई सरकार जो आ रही है वो गरीबों का खून चूस रही है और हमेशा चूसती रहेंगी। उरन के ग्राम पंचायत नगर पालिका के रास्ते की हालत खस्ता हो गई है, बारिशों में खड्डे गिरने की वजह से कई सारे गाड़ियाँ स्केट हो रहे हैं, 2 व्हीलर स्केट हो के लोगों को मार लग रहे हैं, हाथ टूट रहे, पैर टूट रहे, ट्रैफिक हो रही है। शंकर मंदिर जैसे कि यहाँ पे पानी जमा होने की वजह से आज सुबह में एक छोटा एक आदमी के मौत के मुँह से बाहर आ गया। यह हाल उरन के आसपास का हर जगह का है, क्योंकि इसकी पूरी जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और सेंट्रल महामारी की वजह से लोगों को तकलीफें बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। अब समंदर में जो कचरा फेंकने वाले का जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गया है। एक संस्था ने जो समंदर में कचरा फेंकने का के विरुद्ध जो पिटीशन फाइल की थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कांटे की टक्कर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तलब करते हुए कहा है कि समंदर में जो भी कचरा फेंका जा रहा है उसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं की जा रही है, उसके ऊपर कायदे क्यों नहीं, इस पर लॉ क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। इसी के साथ में फिर से आज 5 महीने हो गए किसानों को अपना हक नहीं मिल पा रहा, किसान आंदोलन और ज़ोरों शोर से शुरू है और पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, मतलब हर आम आदमी को मारने का काम
हिंदुस्तान की सरकार बहुत ही खूब नज़रअंदाज से कर रही है और बहुत ही मज़े से कर रही है। सेंट्रल की बैठक में हर वक्त महंगाई बढ़ाने का काम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम, लोगों को जनता को मारने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार कर रही है। इसके पहले की सरकार ने कि ये स्थिर सरकार ये भी कर रही है और आने वाली सरकार भी करेगी। जनता को लूटने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ये सभी लोग करेंगे। ये एक छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के लिए आगाज़ में।